जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी। ओडिशार भाई भौणी मानकु मोर जुहार। नुआ वर्ष समस्त पाई मंगलमय हेउ। ओडिशा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उड़ीसा के ही रतन भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रताप सारंगी जी, उड़ीसा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण, आईआईएम संबलपुर की चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर प्रोफेसर्स महादेव जायसवाल जी, फैकल्टी स्टाफ और मेरे सभी युवा साथियों, आज आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। नए वर्ष के शुरुआत में इस शुभारंभ ने हम सबके आनंद को दोगुना कर दिया है। साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स भी कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आम तौर की भाषा में टीयर टू टीयर थ्री सिटीज कहते हैं, आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखने को मिलता है। इन स्टार्टअप्स को भारतीय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है।
आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। साथियों, आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। जिस जगह पर आईएम का परमानेंट कैंपस बन रहा है वहां पहले से मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 3 और यूनिवर्सिटीज है, सैनिक स्कूल भी है, सीआरपीएफ और पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। जो लोग संबलपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं कि आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के बनने के बाद ये क्षेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है। संबलपुर आईआईएम और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स के लिए सबसे खास बात ये होगी कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लैब की तरह है। ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी भव्य है, ओडिशा का गौरव हीराकुंड बांध आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। बांध के पास देवरीगढ़ सेंचुरी अपने आप में खास तो है ही, इसके बीच में वो पुण्य स्थान भी है जिसे वीर सुरेंद्र साई जी ने अपना बेस बनाया था। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहां के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है, सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नकाशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि संबलपुर और उसके आसपास का इलाका अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, कोल, लाइमस्टोन से लेकर गोल्ड, जेमस्टोन, डायमंड, यहां की प्राकृतिक संपदा को अनेक गुना बढ़ाते हैं। देश के नेचुरल एसेट्स को बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो,
कैसे ये पूरे क्षेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है। साथियों, ये मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं। उड़ीसा में वन संपदा, खनिज, रंगबत्ती संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राफ्ट, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की कविताएं, क्या नहीं है उड़ीसा के पास। जब आप में से अनेक साथी संबलपुरी टेक्सटाइल या फिर कटक की फिलिग्री कारीगरी, उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे, यहां के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी और गति मिलेगी और नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी आईएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे आईएम्स आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। आप सभी का जो इतना विशाल और दुनिया के कोने में फैला अलुमनाई नेटवर्क है, वो भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। साथियों, आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। इन चैलेंजेस को भी आपको समझना होगा। अब जैसे एडिटिव प्रिंटिंग या तो 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। जब जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। एयर कनेक्टिविटी ने 20वीं सदी के बिजनेस को सिमलेस बनाया, तो डिजिटल कनेक्टिविटी 21वीं सदी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्कप्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। साथियों, जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलोबरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलोबरेशन अपनियों के साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और अल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है।
इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। मैं तो आपसे भी और देशभर के आईआईएम से और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े दूसरे स्कूलों से एक आग्रह करूंगा, कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चलाया गया, इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया, इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है। कोविड के दौरान देश ने पीपीई किट का, मास्क का, वेंटिलेटर का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया है। साथियों, हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाई जाए। देश अब उस सोच से बाहर निकल गया है। अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर है और इसमें मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। हमारे बीच में अरुंधति जी मौजूद है। देश में गरीबों के लिए जनधन खातों के लिए किस तरह की प्लानिंग हुई, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका मैनेजमेंट किया गया, इस पूरे प्रोसेस की तो वो भी गवा रही है क्योंकि उस समय वो बैंक संभालती थी। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो, ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना ही नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां संभालना भी होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं और इसलिए अहम है कि ओडिशा के ही संतान भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। साथियों, हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब 10 साल बाद आ ही गई थी, लेकिन बाद के दशकों में रसोई गैस एक लग्जरी बन गई, रहिशी लोगों की प्रतिष्ठा बन गई। लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, इतने पापड़ बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। हालत ये थी कि साल 2014 तक, आज से 6 साल पहले, 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55% थी, 55% थी। जब अप्रोच में परमानेंट सॉल्यूशन का भाव न हो तो यही होता है। 60 साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55%। अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुंचने में ये शताब्दी भी आधी और बीत जाती। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है?
98% से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा। और यहां मैनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आसान होता है, असली चैलेंज होता है कवरेज को 100% बनाने में। साथियों, फिर सवाल ये है कि हमने ये कैसे प्राप्त किया, कैसे अचीव किया, ये आप मैनेजमेंट के साथियों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है। साथियों, हमने एक तरफ प्रॉब्लम को रखा, एक तरफ परमानेंट सॉल्यूशन को रखा। चुनौती थी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हमने 10,000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन किए। चुनौती थी बॉटलिंग प्लांट कैपेसिटी की, हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्लांट लगाए, देश की क्षमता को बढ़ाया। चुनौती थी इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी की, हमने इसे भी सुधारा। चुनौती थी पाइपलाइन कैपेसिटी की, हमने इस पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और आज भी कर रहे हैं। चुनौती थी गरीब लाभार्थियों के चयन की, हमने ये काम भी पूरी पारदर्शिता से किया, विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना शुरू की। साथियों, परमानेंट सॉल्यूशन देने की इसी नियत का नतीजा है कि आज देश में 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। 2014 से पहले देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। सोचिए, 60 साल में 14 करोड़ गैस कनेक्शन, हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यहां उड़ीसा में भी उज्ज्वला योजना की वजह से करीब करीब 50 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। इस पूरे अभियान के दौरान देश ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसी का नतीजा है कि उड़ीसा के 19 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो रहा है। साथियों, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए भी समझाया क्योंकि जितना आप देश की जरूरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनौतियों को समझेंगे, उतने ही अच्छे मैनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उत्तम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। मैं समझता हूं हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों के लिए जरूरी है वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए। इसमें बड़ी भूमिका वहां पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स की होती है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रॉड बेस, मल्टीडिसिप्लिनरी, होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते थे उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राष्ट्र के विकास के लिए हर किसी को मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये भी तो इंक्लूसिव नेचर ही है। मुझे भरोसा है आप इस विजन को पूरा करेंगे। आपके प्रयास, आईआईएम संबलपुर के प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सिद्ध करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।